नमस्कार, मैं हूँ सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी और मैक्स टेलीविजन 2। और बहुत सारे घटनाएं घटी है इसके अंदर, इस दौरान 5-6-7 दिन के दौरान। तो क्या क्या घटनाएं घटी है उसके बारे में अलग अलग वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। पहला किस्सा जो हार्दिक का पीछा नहीं छोड़ रहा है कोई, और हार्दिक भी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, हर एक का पीछे में वो लगे हुए हैं। और बाद में सब सारा वीडियो हो जाएगा 7 दिन के अंदर में, कम से कम 14 से 15-20 वीडियो करना पड़ेगा ये सारा जो वाकया हुआ उसको समझाने के लिए। उसके बाद में आएंगे कि इसके बीच में कोशिश करते हैं कि क्या इंडिया के ऊपर में क्या असर पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप में। तो पहले तो हार्दिक को जो चल रहा था मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के साथ में वो तो चल ही रहा था, लेकिन इसके दौरान और एक जो काम हो गया वो हुआ, क्या तिलक वर्मा के साथ में हार्दिक का कुछ घटनाएं घटी और वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। ये जो वायरल वीडियो है, वायरल हो गया तुरंत, और उसमें कुछ अलग तरीके से देखा तो हारने के बाद में केकेआर से हारने के बाद तिलक वर्मा को हार्दिक पांड्या जो है वो दोषी ठहराते हैं। उसके बाद में जो हुआ तो हार्दिक के साथ में ड्रेसिंग रूम में अनबन सी हो जाती है। तो इतना दूर बात जो है फैलती है, उसके बीच में रोहित शर्मा को आने पड़ता है और उसके बीच में MI के मैनेजमेंट को भी आने पड़ता है, पढ़ करके ये रुकना पड़ता है जो भी घटनाएं घटी उसका संदर्भ में। तो हार्दिक फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, हार्दिक लॉस्ट हिज माइंड एंड लॉस्ट हिज एवरीथिंग। वो बिल्कुल सी एकदम अलग हार्दिक को हम लोग देख रहे हैं, और इसका असर तो मुंबई इंडियंस के टीम में पड़ ही रहा है। और इसके अलावा उसका जो बर्ताव है दूसरे प्लेयर के साथ में वो भी काफ़ी हद तक जो है पूरा अपने हदे वो जो है वो पार कर दिए हैं। और तिलक वर्मा यंग बंदा, उसके साथ भी उसका लड़ाई हो गया, उसके साथ भी उसको ब्लेम करने लगे, अपना तो कुछ परफॉर्मेंस होता नहीं है। और 2-3 मैच में अलग ढंग से हार्दिक को दिख रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके ऊपर में प्रेशर भी है क्योंकि वो लड़ाई पंगा जो हर एक के साथ में ले रही है, वो ये जो खामियाजा जो है उसको आगे भुगतना भी पड़ता है। और वो खामियाजा इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उसका अलग वीडियो करेंगे, अलग से बात करेंगे। तो तिलक वर्मा के साथ में हार्दिक का लड़ाई हो जाता है, हार्दिक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिलक वर्मा को ब्लेम करते हैं। इसके पहले भी उन्होंने इस तरीके की हरकत की, तो क्या हरकत थी वो तो अलग वीडियो में बताएंगे। तो हारने के बाद जो हुआ, सीधा सीधा हार्दिक ने निशाना साधा तिलक वर्मा के ऊपर कि तिलक वर्मा के वजह से हम लोग हार गए। ये तो कप्तानी का निशानी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। जितना भी मैं एक कमेंट्स में किसी स्पोर्ट्स चैनल में मैं बता चुका हूँ कि हार्दिक रिचर्ड हेडली भी नहीं है, हार्दिक इमरान खान नहीं है, और ना ही हार्दिक कपिल देव है। इतना तवज्जो उसको देना नहीं चाहिए जो इरफान पठान ने कही थी उनको लेकर के, वो बिल्कुल सही है वो सच है। और इसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को भी, और हो सकता है इंडिया टीम को भी मुंबई इस तरीके का हरकतें जो है ये हरकत का खामियाजा भुगतना पड़े। तो ये बहुत ही शर्मनाक किस्म की घटनाएँ हैं जो घटी है इसके अंदर। ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको ये बात पहुंचानी थी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मैक्स टीवी एवं मैक्स टेलीविजन 2 दोनों को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरे वीडियो के साथ में फिर हम लोग आएंगे तो उसमें दूसरे जो एपिसोड घटे हैं उसको लेकर के बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।